हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे आलू प्याज की कचौरी कैसे बनाएं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, मैंने कई बार ऐसा देखा कि हम बाहर कहीं पर भी अगर कचौरी लेकर खाते हैं तो उसमें मैदा ज्यादा होता है, लेकिन आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप भरवा आलू प्याज की कचौरी कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैदा लेते हैं। हमने 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है और अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपको इसकी कंडीशन इस प्रकार की रखनी है। देखिए जिस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इस प्रकार कंडीशन रखेंगे तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेंगी और काफी करारी भी बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू हो जाए और इसे अच्छे से क्रश कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अजवाइन भी ऐड कर ली है, इससे इसमें आपकी कचौरी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बहुत ही अच्छा आटा गूंथ लेंगे। इसमें हमें पानी की हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बन चुका है, हमने इसका बहुत ही अच्छा आटा गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन इस प्रकार की होनी चाहिए, ना तो ये ज्यादा टाइट है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। आपको इसी तरह इसका आटा गूंथ कर इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देना। आप इसे जितना भी ज्यादा टाइम रेस्ट के लिए रखेंगे उतना ही आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं और इसे रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे अपनी कचौरी का मसाला। उसके लिए हमें मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए आलू और प्याज। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ। आपको इसमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल कम ऑयल डालना है। तो देखिए मैंने इसमें 1 स्पून ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी, हमारा ऑयल गर्म हो रहा है अभी, के अंदर साबुत धनिया डालूंगी और फ्रेंड्स थोड़ी सी राई डालूंगी। और इसे अच्छे से पका लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यह पक चुकी है और हल्का सा इसमें जीरा डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डालेंगे जो कि हमने बिल्कुल मैश कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यह ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मैश किए हुए आलू डाल दिए हैं इसके अंदर और अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। हल्के से जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम अपने गैस को ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे आलू का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अभी है थोड़े थोड़े पक चुके हैं, आपको इसी तरह इन्हें पका लेना है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, आप मसाले घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही मसाले इसमें ऐड कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बच्चे थोड़ा तीखा खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं कुछ देर के लिए इन्हें पका लूँगी। आपको इसे पकाने में 10 से 15 मिनट लगेंगी, धीरे धीरे आपको इसी तरह पकाना है इसे। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है, बस आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब इसमें महत्वपूर्ण भाग है वो है प्याज। मैंने अपने प्याजों को बारीक काट रखा है, अब मैं इसमें 3 से 4 प्याज बारीक काट कर ऐड कर लूँगी और इन्हें भी अच्छे से पका लूंगी। थोड़ा सा हमारे प्याज जब पकेंगे तो यह हल्का हल्का पानी छोड़ेंगे, तो हमें यह बिल्कुल पका लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें अच्छे से इसी तरह पका लेंगे। इसे बनाने से पहले अगर आप नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए काफी बेस्ट होगी। हमारे आलू इसमें थोड़े थोड़े चिपक रहे हैं, अगर आप नॉनस्टिक पैन लेंगे तो आपके आलू बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो थोड़ी सी देर में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको पता है प्याज जितने ज्यादा दिखते हैं उतने ही थोड़ा सा पकने के बाद बिल्कुल कम हो जाते हैं, जितने आपको ये दिखाई दे रहे हैं थोड़ी देर बाद बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन हम इन्हें 10 से 5 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देती हूँ
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ ताकि इसका टेक्सचर भी अच्छा आए और यह दिखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से और हमारी ऑनियंस भी बिल्कुल पक चुके हैं अच्छे से। और अब मैं अपने गैस को बंद कर देती हूँ और अपने मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल ठंडा करके आपको अपनी कचौरियों में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे कुछ पल के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट बाद हम इसे ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया था, 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा और गूंथ लेना है। और फ्रेंड्स, अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह करके इसकी बॉल्स बनानी है और इसकी इस प्रकार लोई बनाकर। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार इसकी लोई बना ली है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और अपने मसाले को अब हम देखेंगे कि हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है और इसकी भी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रख लेंगे ताकि हमारी कचौरियों में आसानी रहे भरने में। आप देख सकते हैं हमारी बॉल्स काफ़ी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। आपको इसी प्रकार सभी बॉल्स बनाकर रख लेनी है। अपने मसाले किस तरह बॉल्स बनाकर रख लेंगे, आपको इसी तरह सभी बॉल्स बनानी है। आपकी कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि मसाला ठंडा होने के बाद ही आपको अपने आटे के अंदर इसे अपनी बॉल्स को कचौरियों में डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी बॉल्स को इस तरह बनाकर रख लिया है। तो देखिए, मैंने इसकी बॉल्स बनाकर रख ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अपनी कचौरियाँ बनाकर दिखाएंगी। सबसे पहले आपको एक डो लेना है और उसे चकले पर रखकर इस तरह बेल लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैदा होता है और मैदा रबड़ी की तरह एक बार बढ़ता है और एक बार बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चकले बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कचौरी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप देखिएगा, मैंने इसे रोटी की तरह काफी बढ़ा लिया है और अब हम इसके अंदर अपना मसाला डालेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, अब हम इसके अंदर अपना मसाला डालकर इसे इस तरह चारों तरफ से बंद कर देंगे। आपको धीरे धीरे बंद करना है, जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ इसी प्रकार आप इसे बंद कीजिएगा। देखिए, मैंने जिस प्रकार आपको बताया है इसी प्रकार आप बंद करके इसे और इसे दोबारा फिर से इसी तरह कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ज़्यादा इसे ना तो बढ़ाना है और ना ही कम करना है, आपको इतनी कचौरियाँ बनाकर तैयार करनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कचौरियाँ कहीं से खुली हुई ना हो। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी कचौरी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसी प्रकार एक एक कचौरी करके हम सभी कचौरियों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार अपनी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है और हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छी फूली भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी कचौरियों का कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपको ना तो इन्हें ज़्यादा पकाना है और ना ही कच्चा रखना है। हमने जो पहले कचौरियाँ इसके अंदर डाली थी उन्हें भी दोबारा इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। ये भी हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन कचौरियों को एक बार डालकर तेल से निकाल लेंगे और दोबारा इन्हें फ्राई करेंगे तो आपकी कचौरियाँ फूलेंगी, ये मैं 100% आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि इससे आपकी कचौरियाँ सिकती तो अच्छी हैं ही, साथ में यह फूलती भी हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इसमें आपको ना तो किसी बेकिंग सोडे की आवश्यकता होगी और ना ही बेकिंग पाउडर की। बिना बेकिंग पाउडर के ये फूलकर बहुत ही अच्छी बनेंगी। और कचौरियाँ तो आपको पता ही होगा, कचौरियाँ तो फूली फूली ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती हैं और वह काफ़ी क्रिस्पी हो तो और भी अच्छा स्वाद बढ़ा देती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इन कचौरियों का भी कलर ब्राउन कलर का हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको इन्हें ज्यादा लाल या ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इन कचौरी को ज्यादा पकाएंगे तो इनमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी, तो इस कारण आपको इसका मीडियम कलर रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कचौरी कितनी अच्छी बनी हुई है। इन्हें भी मैं निकाल कर रख लेती हूँ और अभी इन्हें थोड़ा थोड़ा और सिकने देती हूँ ताकि यह इनका काफ़ी अच्छा कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कचौरियाँ भी सिककर तैयार हो चुकी हैं। आपको इसी प्रकार सभी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ कितनी फुली फुली और कितनी स्वादिष्ट बनी हुई हैं। अब हम आपको एक कचौरी इनमें से फोड़ के दिखाएंगे कि हमारी कचौरी अंदर से भी कितनी अच्छी और क्रिस्पी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस कचौरी को आपको फोड़ के दिखाएंगे। देखिए अंदर से भी ये बहुत ही अच्छी दिख रही हैं और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। तो इस प्रकार आप अपनी कचौरियों को बनाइएगा और खाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा, आपको ये कचौरी बहुत ही पसंद आएगी।